नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ। 136 साल पुरानी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के युवा अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से यूथ कांग्रेस सड़कों, या यूं कहें कांग्रेस सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही, मुद्दों की कमी नहीं है। भाजपा ने इन दिनों इतने मुद्दे दिए थे, अगर ये मुद्दे भाजपा के पास होते तो वो रोज़ सड़कों में दिखाई देती थी, जैसा कि उसका पुराना इतिहास था। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भूरिया जी मौजूद हैं। ये बताइए, जिस तरीके से भाजपा की अगर बात की जाए, जब आपकी सरकार केंद्र में हुआ करती थी तो यही सारे मुद्दों की कमी नहीं थी, लेकिन आपकी टीम सड़क पर नहीं दिखाई दे रही, वजह क्या? देखिए, यूथ कांग्रेस अब हर मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रही है। कल ही आपने देखा होगा, सीधी में ज़बरदस्त बड़ा आंदोलन करा गया यूथ कांग्रेस है। इस तरह के बड़े बड़े जो ज़मीन पर उतर कर लाठी खाकर, पानी की बौछार झेलकर लोगों के मुद्दे उठाने वाली यूथ कांग्रेस वापस पूरी ताकत से मैदान में दिखना शुरू हुई है। हमारा प्रयास ये है कि इस तरह के आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में हम लगातार करते जा रहे हैं और एक ताकत यूथ कांग्रेस को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बिजली के बिल बहुत बड़े मुद्दे, कोरोना काल में जिस तरह से मृत्यु हुई और ये सरकार उनको मुआवजा नहीं दे रही, ये सब बड़े मुद्दे हैं। इसको लगातार एक प्रक्रिया के अनुसार हम मुद्दा लेते जा रहे हैं और उनको उठाते जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है जिस मुद्दे को उठाए उसको उसके अंतिम अंजाम तक पहुँचाए, और उसके लिए हम लगातार चरणबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं। जैसा कि अगर पिछले 14 से बात की जाए तो कांग्रेस की जो स्थिति रही है वो आज़ादी के बाद, ये यूं कहें 136 साल के बाद कभी नहीं रही। जिस अब ऊपर भी अगर यही लड़ाई हो रही है, कभी अगर पंजाब की बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए तो ये तो अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि जब भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या बड़े चैनल डिबेट करते हैं तो आपके जितने भी बड़े नेता ट्वीट तो कर देते हैं, लेकिन कभी भी मंच पर आकर उस बात को विस्तृत तरीके से नहीं बताते, आखिर क्या बात है? मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कांग्रेस एक बहुत बड़े ट्रांजिशन के दौर से, एक बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में आ रहा है, सिर्फ वरिष्ठ नेतृत्व के नहीं, युवा नेतृत्व के रूप में भी। और इसमें अब कांग्रेस में वही लोग बच रहे हैं जो कांग्रेस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, सरोकार रखते हैं। अब जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है उसका ये कोशिश है कि कांग्रेस में अच्छे चेहरों को आगे लेकर आए, जो अच्छी चीज़ वक्ता के रूप में भी अच्छी तरह से बात रख सकें, मुद्दों की गहराई को समझ सकें, मुद्दों को बहुत तरीके से रखें जनता के सामने। और इसके लिए लगातार अब संगठन निर्माण पर हम काम कर रहे हैं। और इसलिए पहले ये होता था कि आप बहुत आसान होता था मीडिया में आकर आप बयान दे दीजिए कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। आज हम विपक्ष में हैं और ये हमारी जवाबदारी है कि हर मुद्दे को ज़मीन पर भी उठना चाहिए। अगर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उनके लिए ज़मीन पर कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। और इसलिए यूथ कांग्रेस एक बहुत प्रभावी तरीके से एक बहुत बड़ा हथियार बनकर कांग्रेस के लिए उभर रही है, और इसमें हम संगठन विस्तार पर बहुत विस्तृत तरीके से काम कर रहे हैं ताकि जब 2023 का चुनाव आए उसमें हर गांव में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार होना चाहिए, ये हमारा प्रयास। अगर बात की जाए कांग्रेस में गुटबाजी की, तो रीवा से लेकर राजस्थान में सचिन पायलट, पंजाब में सिंधु, एक आप बाहर हैं सत्ता के, फिर भी ये इस तरीके की गुटबाजी को, क्या आपको लगता है इस गुटबाजी से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? ये जानबूझ के आप लोग चर्चा में बने रहकर कुछ इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि कांग्रेस में हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के नेता अलग अलग हों, पर आज कांग्रेस का कार्यकर्ता एक झंडे के नीचे काम करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, और भले वो किसी भी नेता से जुड़ा हो, पर जहाँ कांग्रेस की बात आती है, जहाँ संगठन की बात आती है, आज सब लोग काम भी कर रहे हैं और वो धीरे धीरे दिख भी रहा है। कोई भी अच्छी चीज़ होती है, कोई बड़ा परिवर्तन होता है, तो उसको दिखने में और ज़मीन पर आने में थोड़ा समय मिल सकता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि नगर निकाय चुनाव तक आप एक बहुत मजबूत, जिसमें सब लोग एक मुट्ठी की तरह साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, वो आपको दिखने मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ पर बहुत गहन चिंतन चल रहा है ऊपर लेवल पर भी और ज़मीनी स्तर पर भी। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, रीवा की धरती से। कहा जाता है कि बिंद जिस पार्टी को बहुमत देती है सरकार उसकी दिखाई देती है, जैसा कि आपने भी माना है, आपके नेताओं ने भी माना है, तो रीवा की धरती से मध्य प्रदेश के यूथ या पूरे देश के यूथ को क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा, आज जनता को हमारी ज़रूरत है और आज लड़ने का समय है। कोई भी मनभेद हो, कोई भी मतभेद हो, उसको दरकिनार करो
ताकत से पार्टी के लिए लड़ो, कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ो, इस मध्य प्रदेश के लिए लड़ो। आज जो समय युवाओं को मिला है, अगर सरकार में आप रहते हैं तो युवाओं को इतना अच्छा समय नहीं मिल पाता है। आज युवाओं को ज़बरदस्त समय मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का और अपनी प्रतिभाओं को चमकाने का। आप काम करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। वरिष्ठ नेतृत्व भी आपको ऊपर लाने के लिए तैयार है और हम आपकी आवाज़ और आपके लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए हर समय कर्तव्यबद्ध है। ये थे हमारे साथ विक्रांत भूरिया, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर से कहना था। अब आप देखिएगा, अभी हमारे पास साल भर का वक्त है, हम कांग्रेस को एक नए रूप में ले जाएंगे। यूथ कांग्रेस अब आपको खाली कागजों पर नहीं दिखाई देगी, अब सड़क पर दिखाई देगी। मुद्दों की हमारे पास कमी नहीं, अब हम सड़क पर उतर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं।